आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार, मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, आज मैं बताने वाला हूं नवग्रहों में प्रधान ग्रह न्यायाधीश शनिदेव के बारे में। यद्यपि उनके बारे में सब कुछ बता पाना किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी जितना मुझे ज्ञात है उतना बताना आपको मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें आपको शनिदेव से संबंधित कुछ जानकारी तो मिलेगी, साथ ही उनकी पीड़ा से मुक्ति के कुछ शास्त्रोक्त उपाय भी मैं बतलाऊंगा। आशा है उनका अनुसरण करने से आप निश्चित आपको लाभ होगा। बहनों भाइयों, भगवान सूर्य और उनकी धर्म पत्नी छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हुआ था। अपने प्रिय पुत्र शनिदेव के विपरीत स्वभाव को देख करके भगवान सूर्य बड़े चिंतित हुए। उन्होंने भगवान शिव से उनको समझाने के लिए कहा। भगवान शिव ने उनको सुधारने का प्रयास किया, परंतु शनिदेव ने शिव जी की उपेक्षा कर दी। तब भगवान शिव ने उन्हें दंडित करने का निश्चय किया और फिर शिव जी के साथ शनिदेव का युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ, और भगवान शिव के प्रहार से शनिदेव अचेत हो गए। शनि को जब अचेत देखा तो उनके पिता सूर्य का पुत्र मोह जाग उठा। सूर्य ने भगवान शिव जी से पुत्र को जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव जी ने सूर्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और शनिदेव को जीवन दान दे दिया। इस घटना ने शनिदेव को भगवान शिव की समर्थता मानने को विवश कर दिया। शनिदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी सारी सेवाएं आपको समर्पित करना चाहता हूं। इस प्रकार जब शनिदेव ने भगवान शिव से कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर के उनको अपना सेवक बना लिया और उनको न्यायाधीश अर्थात दंडाधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया। और भगवान शिव ने सारे लोगों को यह जता दिया, ये बता दिया कि शनि तो सिर्फ सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं और कराते हैं, वे किसी को कष्ट नहीं देते, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों का दंड स्वयं पाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए उसके कल्याण के लिए न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। बुरे कर्मों का दंड मिलना अति आवश्यक प्रक्रिया है। तो बहनों भाइयों, शनिदेव की दृष्टि क्रूर है, जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहां विनाश ही होता है। और इसके पीछे पुराणों में एक कथा है कि एक बार इनकी पत्नी पुत्राभिलाषा से इनके सम्मुख उपस्थित हुई, परंतु ये ध्यानमग्न थे, इन्होंने अपनी पत्नी की उपेक्षा कर दी। इससे कुपित होकर के पत्नी ने श्राप दिया कि तुम्हारी दृष्टि नीची ही रहेगी और जिस पर दृष्टि पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए भगवान शिव की उपासना से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को अधिक कष्ट नहीं देते। महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र और रुद्राष्टक मंत्रों से शिव की आराधना करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव हनुमान जी की साधना से भी प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे पुराणों में कथा आती है कि एक बार दशानन रावण ने शनि को बंदी बनाकर के एक कोठरी में बांध दिया था। शनि ने कातर होकर भगवान शिव से बंधन मुक्ति के लिए प्रार्थना की तो भगवान शिव ने शनिदेव को आश्वस्त किया कि जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हुए लंका आएंगे तो वही तुम्हें इस बंधन से मुक्त कराएंगे। और ऐसा हुआ भी। लंका पहुंच करके हनुमान जी ने शनि सहित अन्य देवताओं को बंधन मुक्त कराया, जिससे शनिदेव ने आभार प्रदर्शित करते हुए घोषणा की कि हनुमान जी, जो भी भक्त आपकी साधना उपासना करेगा उसको मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, जो दीन दुखियों की मदद करेगा, न्याय मार्ग पर चलेगा,
उसको मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। रामचरितमानस में यह सारा घटनाक्रम सुंदरकांड में वर्णित है, अतः सुंदरकांड का पाठ करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। एक बार प्रेम से बोले जय शनिदेव। बहनों भाइयों, मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिससे हमें शनि की कृपा प्राप्त होती है और निश्चित प्राप्त होती है। देखो, किसी दीन दुखी व्यक्ति को परेशान अपने जीवन में कभी ना करो, उनका हक ना मारो। दीनहीन अपाहिज की सहायता करोगे तो शनि देव की सदैव तुम्हारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। शनि देव एक ऐसे देवता हैं जो राजा से भिखारी बना देते हैं और भिखारी को राजा बना देते हैं, इतनी सामर्थ्य है उनमें। तो कभी भी दीन अपाहिज की सेवा करो, सहायता करो, उनको परेशान मत करो। दूसरा, शनिदेव के दिन शनिवार के दिन 19 हाथ लंबा काला धागा ले लें, अपने हाथ से 19 हाथ नाप लें और उसकी माला बना करके और गले में धारण कर लें, बहुत लाभ होता है। तीसरा, महाराज दशरथ ने एक शनि स्तोत्र की रचना की थी और उस स्तोत्र के द्वारा भगवान शनि को प्रसन्न किया था, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जैसे राजा दशरथ को प्राप्त हुई थी। मांस मदिरा का सेवन करना यानी विनाश का बुलावा देना, विनाश को बुलावा आपने दे दिया, शनि के प्रभाव में हैं आप, ढैया में हैं, साढ़े साती में हैं। मांस मदिरा और दारू का सेवन करोगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, बहुत आफत हो जाएगी तुम्हारे लिए। शनिवार को मिट्टी की हाड़ी में काली सरसों भर लें, काला कपड़ा बांध लें उसके मुंह पर, और जल प्रवाह करने से व्यापार और नौकरी में अगर आपको असुविधाएं आ रही हैं तो राहत मिलती। चींटियों को बूरा शक्कर मिला करके आटा डालते रहने से बहुत लाभ मिलता है, और चिड़ियों को दाना देने से भी बहुत लाभ मिलता है। बहुत कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हो। शिवलिंग पर दूध चीनी मिलाकर के जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहो, कम से कम 5 माला का जाप करो, ईमानदारी से रहो, शनि की कृपा निश्चित मिलेगी। काले घोड़े की नाल का छल्ला अगर मिल जाए तो उसको बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लो, शनिदेव की कृपा मिलेगी। एक सूखा नारियल और 5 बादाम प्रत्येक शनिवार को बहते जल में प्रवाहित करो, शनिदेव की कृपा निश्चित मिलेगी। श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करो, और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ तो जरूर करो, शनि कृपा मिलेगी। शनिवार को काले चने उबाल करके सरसों के तेल में छौंक लें और शनिदेव का भोग लगा करके गरीबों में बांटने से आपको शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। किसी भी शनिवार से प्रारंभ करें और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः मंत्र की 11 माला और हनुमान चालीसा का पाठ करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। एक समी वृक्ष होता है, उस समी वृक्ष की जड़ पुष्य नक्षत्र में ले आवे, गंगा जल से धोकर के काले धागे में करके गले या दाहिने हाथ में बांध लें, शनि की कृपा प्राप्त होती है। घर में धूप दीप जला करके और घर में शिव पूजन करके सुबह शाम 2 माला ओम नमः शिवाय और 1 माला ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करने से भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाच्छा शिव प्रिय मंदचार प्रसन्न आत्मा पीड़ाम हरतु मे शनि, बहुत अच्छा श्लोक है, ओम लगा दोगे तो मंत्र हो जाएगा। इसका जाप करते रहने से भी शनि देव की परम कृपा प्राप्त होती है। क्या है? सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाच्छा शिव प्रिय मंदचार प्रसन्न आत्मा पीड़ाम हरतु मे शनि, पाठ करें इसका। प्रत्येक शनि को कच्चा दूध
गंगा जल, काले तिल, पुराना गुड़ और उसमें एक दो बूंद सरसों का तेल डाल लो, एक आध बूंद डालो। पीपल की जड़ में श्रद्धा पूर्वक अर्पित करो, मशीन की तरह ना अर्पित करो, श्रद्धा पूर्वक अर्पित करो और शाम को एक दीपक जला दो, शनि कृपा मिलेगी। एक और मंत्र है, ओम सम शनिश्चराय नमः ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलप प्रिया कंटकी कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र में शनि देव की पत्नी के नाम है, पत्नियों के, इसका जाप करके और सरसों के तेल में अपना चेहरा देख लो और जो शनि का दान लेते हैं ना डाकोत उनको दे दो। ओम सम शनिश्चराय नमः ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चातुतुरंगी महिषी अजा ओम सम शनिश्चराय नमः। काली गाय की सेवा करो, घर में तुलसी का पौधा लगा लो, विष्णु सहर्ष नाम का पाठ करो, आर्थिक समस्याएं नहीं आ पाएंगी। और तुलसी के पौधे का दान कर दो या तुलसी के पौधे दान कर दो। बहनों भाइयों, वर्तमान में वृश्चिक धनु मकर राशि पर 7.5 है और ब्रख कन्या राशि पर ढैया है, सिंह राशि पर कंटक ढैया है। ये लोग शनि की दशा के कारण अस्त व्यस्त हो सकते हैं, इनको कष्ट मिल सकते हैं, व्यापारिक नुकसान हो सकता है, व्यापार में बाधाएं हो सकती हैं। तो बहनों भाइयों, ये मैंने जो प्रयोग बताए इनमें जितने भी आप कर सकते हो, एक दो नहीं कुछ कर सकते, तो सबसे सरल प्रयोग मैंने बताया, चींटियों को बूरा मिश्रित, बूरा शक्कर मिश्रित आटा प्रतिदिन दें, चिड़ियों को दाना दें, श्रद्धा पूर्वक रहें, न्याय से रहें, सदाचरण करें, किसी को कष्ट न दें, भगवान शनिदेव आपकी सदैव रक्षा करेंगे। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ इस कामना के साथ कि शनिदेव भगवान और माता रानी आपका सदैव कल्याण करें, आपके सारे कष्ट दूर हों। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता।